स्टार्ट स्ट्रीमिंग स्टार्टेड ओके हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट. सो इन प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सम बेसिक थिंग्स अबाउट पॉलिनोमियल. उसमें ये चीज़ें हम लोग पढ़ रखे हैं बेटा, क्या पॉलिनोमियल्स आप उसमें क्या फाइंड करोगे, क्या जीरोज होते हैं पहले पॉलिनोमियल्स के, फिर उसके बाद आप ये सोचोगे क्या सर मुझे और पॉलिनोमियल में क्या पढ़नी है. तो बेटा वैसे भी सिलेबस आपका काफ़ी हटा दिया गया है, ठीक है ना. इसका मतलब ये है क्या अब जो हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं बेटा वो लेक्चर्स आपके ठीक एज एनसीईआरटी जैसा सीबीएसई गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेक्चर्स को ले रहे हैं, ठीक है. तो बेटा उसके अकॉर्डिंग केवल और केवल हम लोग के अभी सिलेबस में जो है वो इतना ही हम लोग जितना कवर कर रहे हैं उतना ही है, उससे और ज़्यादा आगे है नहीं. और उसके आगे पढ़ने के लिए हम लोग बाकी लेक्चर्स को इंक्लूड करेंगे जिसमें कि हम लोग एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे. चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर वन, दिस इज एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी. ओके सो द क्वेश्चन इज फाइंड जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड एक्चुअली पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. राइट बेटा. सो आप देख पा रहे हो क्या 4s² 4s + 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यहाँ पर. और क्या करना है बेटा यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना यह है क्या आपको आपको क्या करनी है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरीफाई करना है बेटा. वेरिफिकेशन कैसे होती है मैं बताता हूँ, ठीक है. किसके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. तो बेटा पॉलिनोमियल में क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है सर, जीरोज पढ़ रखा है ना, जीरोज के पहले कोफिशिएंट पढ़ रखा है. तो बेटा पुराने लेक्चर्स आप देखो और उसमें जीरोज ऑफ और कोफिशिएंट अगर आप थोड़ा सा भूल गए हो तो वो चीज़ें आप देख लेना, ठीक है. सो यहाँ पर सबसे पहले ये सोचो बेटा मुझे चेक क्या करना है, क्या रिलेशनशिप बताना है किस में, जीरोज में एंड कोफिशिएंट में. सुनो बेटा समझो बात को, जीरोस क्या होता है सर, जीरोस क्या होता है. सबसे पहले ये बताओ बेटा क्या स्टेप वन में क्या करोगे. तो स्टेप वन में यहां पर स्टेप वन में आप क्या करोगे बेटा, फाइंड रूट है ना, आप रूट फाइंड करोगे. ओके अब रूट फाइंड करने के लिए क्लास नाइन्थ में आप जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, इनकेस अगर आप भूल भी गए हो क्लास नाइन्थ का कॉन्सेप्ट बेटा, तो क्लास नाइन्थ पॉलिनोमियल का लेक्चर आप देख सकते हैं. उसमें मैंने रूट फाइंड करने के मेथड्स बताए हैं. बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिट से हम लोग उसको ब्रेक करके निकाल देते हैं, ठीक है. तो हम लोग के सामने क्या है, क्या अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे बेटा, ठीक है ना. फाइंड रूट, रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे सर, रूट फाइंड करने के लिए फैक्टराइज करेंगे. तो बेटा फटाफट कर लो फैक्टराइज, ठीक है. अच्छा फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट, राइट. अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट सिखा देते हैं फटाफट यहाँ पर. ओके सबसे पहला स्टेप बेटा 4:1 करो. क्या करो 4:1, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है क्या सर हम लोग स्टेप वन में a इंटू सी करते हैं, a इंटू सी, इसका मतलब यह है बेटा क्या a क्या होता है s स्क्वायर का कोफिशियंट, a क्या हुआ s स्क्वायर का कोफिशियंट. ओके b क्या हुआ यहां पर s का कोफिशियंट. ओके बेटा एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज 1. तो हम लोग a इंटू सी करते हैं और a इंटू सी करोगे ये क्या हो जाएगा, ये 1:4 हो जाएगा, इट विल गिव यू व्हाट 4. अब सवाल यह है क्या 4 का हम लोग फैक्टर ट्री निकालेंगे, राइट, और वहां से पेयर चूज करेंगे. तो 1:4, ओके 2:2 4, ठीक है बेटा. जरा चेक कर लो हमारा पेयर आ गया कैसे सर, हाउ 2 + 2 विल गिव यू व्हाट 4, ठीक है ना. अब ये मत कहो क्या सर साइन यहां पर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, साइन नेगेटिव होने के लिए करने के लिए बेटा आप दोनों पे क्या लगा दोगे, नेगेटिव साइन. इसका मतलब ये है क्या ये जो 4 है ये 4 दो हिस्सों में मैं बांटने जा रहा हूं, ठीक है ना. कैसे, माइनस को बेटा बाहर रखो, है ना. यहाँ पे क्या कौन सा पेयर चूज किया है आपने, 2 और 2 का पेयर चूज किया, 2 + 2 बेटा आपने कर दिया और यहाँ पर क्या हो गया s हो गया, यहाँ पर क्या हो गया प्लस का 1 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s² हो जाएगा. बहुत बेसिक है बेटा, है ना. मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आता है, बहुत आराम से कीजिए, कोई जल्दी और हड़बड़ी की बात नहीं है, ठीक है. अब क्या होगा, अब ये s इससे मल्टीप्लाई होता है और ये s इससे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है तो ये 2s और ये 2s हो गया. आप ध्यान दीजिए माइनस का बाहर साइन है, इसका मतलब ये है क्या 4s² माइनस का 2s एंड माइनस का 2s प्लस 1, नो डाउट. यहाँ पर बेटा कॉमन निकाल लो, कॉमन किसके बीच में, इस वाले पेयर के बीच में, इस वाले पेयर के बीच में. तो कॉमन निकालने के बाद बेटा रिजल्ट हमारा क्या आया, जरा गौर करना, ठीक है. रिजल्ट क्या आया देखो,
अब बेटा किसको कॉमन निकाले हो, 2s को कॉमन निकाले हो, 2s कॉमन निकल गया तो यहां पर क्या बच गया, देखो यहां पे 2 टाइम्स 4, ओके s और s कट गया बेटा, यहां पर क्या हो गया 2s और यहां पे माइनस 1। यहां पे चेक कर लो बेटा यहां पर क्या कॉमन है, देख लो यहां पर कॉमन जो है, अब बोलोगे क्या सर यहां s है यहां s नहीं है, ओके s तो कॉमन है ही नहीं, अब बोलोगे क्या सर यहां 2 है और यहां 1 है, ऐसे केसेस में बेटा आप कॉमन देख नहीं पा रहे हो ना, तो ऐसे केसेस में कॉमन क्या लोगे आप, कॉमन लोगे किसको, माइनस वन को, आपका साइन जो भी यहां पर साइन है वही साइन यहां पर आ जाएगा और यहां पर माइनस वन आपका कॉमन हो गया और बेटा ये क्या दे देगा, 2s माइनस वन मिल जाएगा, ओके 2s माइनस वन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो जरा सा, अब सोचो तो आपके फैक्टर्स यहां पर आ गए बेटा, 2s माइनस वन एंड 2s माइनस वन आर फैक्टर्स, आर द फैक्टर्स। अब सवाल ये है सर फैक्टर तो आ गया, फैक्टर से जीरोस कैसे निकालेंगे, अगेन क्लास नाइन्थ पहुंच जाइए जब आप फैक्टर से जीरोस निकाल रहे थे, बेटा ये फैक्टर है ना, ये फैक्टर है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब आप 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो यहां पर जो s की वैल्यू आएगी वो s इक्वल टू हाफ, ओके नो प्रॉब्लम। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो अब फिर, ठीक है यहां पर देखो, अब यहां पर देखो ये 2s माइनस वन जब जीरो के बराबर होगा, अगेन फिर 2s माइनस वन जब किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया, तो बेटा अगेन यहां पर s क्या आ गया, s आ गया अगेन हमारा 1/2। इसका मतलब ये है कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस आएंगे, आप जीरो निकालने के लिए, जीरोस को निकालने के लिए जो हम लोग मेथड अप्लाई किए हैं बेटा वो मेथड कुछ और नहीं, वो मेथड मिडिल टर्म स्प्लिट है, वो मेथड मिडिल टर्म स्प्लिट है, ओके आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इस्तेमाल करोगे आने वाले समय में, ठीक है जैसे इसके बाद जो लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है तो वहां पर आप या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट से निकालेंगे या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, राइट बेटा। तो इतना हम लोगों ने कर लिया, करने के बाद दो रूट्स आ गए, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है क्या हमारे पास अल्फा और बीटा आ गया है, ठीक है ना, अल्फा और बीटा आ गया है। तो अब देख लो जरा सा, यहां पर अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ, एंड बेटा बीटा इज इक्वल्स टू, एंड बीटा इज इक्वल्स टू हाफ। ध्यान रखो बेटा जो ये लेक्चर्स है, ये लेक्चर आपको सिखाने के लिए, सबसे पहली बात, ठीक है आप स्टेप्स क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, ये फर्दर हम लोग जब पूरी चीजों को समझ जाएंगे क्या कर क्या रहे हैं हम लोग, सीखना जो चीजें हैं बेटा वो यहां पर है ना, जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, वेरीफाई 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 करना है सर कैसे करोगे, तो वही चीजें यहां पर हो रही है। अल्फा आ गया ना, बीटा आ गया ना बेटा, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, चेक कर लो यहां पर, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, देखो जरा सा, अल्फा प्लस बीटा जोड़ोगे तो हाफ एंड हाफ इट विल गिव यू व्हाट, वन। अल्फा इंटू बीटा करोगे बेटा, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो अल्फा इंटू बीटा 1/4 हो गया है, अल्फा इंटू बीटा 1/4 हो गया है। अब सोचो जरा, सोचो जरा सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोस कहलाता है बेटा ये, है ना, ये क्या कहलाता है, सम ऑफ जीरोस कहलाता है, इसको बेटा इक्वेशन नंबर वन, ठीक है इसको इक्वेशन नंबर वन लेट कर दो, ठीक है। अब देखो जरा सा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ जीरोस, ओके सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू विच इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशियंट, बेटा ये क्या होता था, माइनस ए बाई बी ना, और ए क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशियंट ऑफ व्हाट, ऑफ एक्स। अब सोचो बेटा जरा सा, सोचो सोचो जरा सा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया, देखो 1/4 आया, और 1/4 जरा चेक कर लो बेटा क्या ये कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, देखो जरा सा, देखो जरा सा, हमने क्या किया, हमने सम ऑफ जीरोस निकाला, सम ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा, दिस इज व्हाट, दिस इज, ओ एक मिनट, वेट, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, वेट जस्ट अ मिनट, कहीं और हम लोग पहुंच गए थे, ठीक है ओके। तो सम ऑफ जीरोस निकाला बेटा पहले, तो सम ऑफ जीरोस मींस व्हाट, माइनस बी बाय ए, है ना। अब माइनस बी बाय ए, तो बेटा माइनस बी बाय ए देखो जरा सा, यहां पर ये माइनस बी बाय ए किसके बराबर है, आप सम ऑफ जीरोस फाइंड किए ना, तो सम ऑफ जीरोस क्या आया, सम ऑफ जीरो आया यहां पे 1/4, ठीक है सम ऑफ जीरोस क्या आ गया यहां पर 1/4। अब देखो बेटा वेरीफाई कैसे हो गया, समझो बात को जरा सा,
यहां पर ए की वैल्यू देख पा रहे हो, ठीक है, कंपेयर करो, ए की वैल्यू सर 4 आ रहा है ना, ए की वैल्यू 4 आ रहा है, ओके। और यहां पर बेटा एक चीज और कर लो, यहां पर कर लो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां पर क्या कर लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा क्या हो गया बेटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा यहां पर सी बाय ए आ गया, हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। अब सोचो जरा सा, तो हम लोग इसके स्टेप पे आते हैं सबसे पहले, तो अब स्टेप पे आने के लिए आप देखो बेटा क्या करोगे, इतनी चीजें तो हम लोग कर लिए, अब जरा सा स्टेप देखो इसका, हम लोगों ने क्या किया निकाल लिया, राइट, सबसे पहले 1 × 4 क्या फैक्टर निकाला, राइट बेटा, फैक्टर ट्री निकाला यहां पर, फिर उसके बाद एज इट इज, ठीक, फिर उसके बाद क्या किया आपने, फिर उसके बाद आपने वैल्यूज को रख दिया किसके बराबर, जीरो के बराबर, जो चीज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। वैल्यूज को रखने के बाद एस की वैल्यू आ गई बेटा जो कि 1/2 है एंड एस हियर हाफ, तो देयरफॉर जीरोस आर व्हाट, दैट्स इट। अब जीरोस केवल निकालो बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, जीरोस निकालो और फिर वेरीफाई कर दो, क्या सर सम ऑफ जीरोस इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज दिस, राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस को जोड़ोगे, ठीक है, ऑब्वियसली बात है 1 आ गया बेटा, ठीक है ना, जो कि हम लोगों का आया था, यानी इसका मतलब यह है क्या, अल्फा प्लस बीटा यहां पर 1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट ऑफ व्हाट एस, एक्चुअली हियर इट इज, हियर इट वुड बी एस, ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, ओके, यहां पर आप देख पा रहे हो बेटा वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन एज इट इज जैसा बताया है वैसा ही है, आपको स्टेप देखना है तो बेटा यहां पर स्टेप आप देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो बेटा सेम टाइप का क्वेश्चन है, अब सेम टाइप का क्वेश्चन क्या है इसमें जरा गौर करना, इसमें यह है, इसमें यह है क्या सर, इस पर फोकस करो बेटा, कॉन्स्टेंट टर्म यहां पर क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म यहां पर है जीरो, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहां पर जीरो। अब सोचो जरा सा ये एक्चुअली में इक्वेशन क्या है, ये एक्चुअली में इक्वेशन है 4u² + 8u + 0 = एक्चुअली हियर इट इज जीरो, ठीक है, बस इतनी सी बात है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या सर, एक बात बताओ, अगर यहां पर बेटा आप कुछ सीखना चाह रहे हैं तो जरा देखो, यहां पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4, है ना, और बी की वैल्यू बेटा क्या है 8 है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, देखना अब समझ लेना आराम से, और c इज इक्वल्स टू क्या है 0, ठीक है बेटा। एक बात बताओ, हम सोचना तो बंद कर नहीं सकते हैं, सोचना बंद नहीं कर सकते हैं, क्यों सर, माइनस बी बाई ए आप अभी फाइंड करके बता दो ना मुझे, और माइनस बी बाई ए बेटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होना चाहिए जो कि हमारा सम ऑफ जीरोज है, अल्फा प्लस बीटा बेटा सम ऑफ जीरोज है पी। अब देखो आगे, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा सर माइनस बी बाय ए, तो माइनस को बाहर रखा, बी बाय ए किया 8/4 कर दिया, ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या आ गया, ओके 2 times, तो बेटा -2/a आया, है ना, -2/a आया, इसका मतलब ये है क्या सर, जब मैं जीरोस फाइंड करूंगा, जब मैं जीरोस को फाइंड कर लूंगा, और फिर क्या करेंगे, जब जीरोस को आप फाइंड करोगे बेटा, फिर उसके बाद जब आप देखोगे कि हाँ सर अल्फा प्लस बीटा बराबर बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये है क्या, वेरीफाई हो गया, है ना, इसका मतलब ये है वेरीफाई हो गया। अब सबसे पहले तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दो, ठीक है, अगर यहां पर देख पा रहे हो बेटा कॉमन है, यहां पर देख पा रहे हो क्या है कॉमन है, यहां पर सी जीरो है ना, सी जीरो है ना, इसका मतलब ये है सर फैक्टर ट्री बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जीरो का बनाओगे क्या फैक्टर ट्री, कोई मतलब नहीं है बेटा, कोई मतलब नहीं है फैक्टर ट्री बनाने का, आप इस जगह पर फैक्टर ट्री मत बनाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक, इसका मतलब ये है मैं क्या करूंगा, मैं 4u को बेटा कॉमन निकालूंगा, ओके, तो 4u को कॉमन निकालोगे तो 4u, सो बेटा यहां पर u एंड प्लस 2, बस ना। अब सोचो जरा सा सर, 4u और ये जो है हमारा u प्लस 2, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये क्या है हमारे, ये फैक्टर्स हैं, ये क्या है हमारे फैक्टर हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है जब 4u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा, तो इसका मतलब ये है क्या, u बराबर 0। अब बोलोगे सर एक वन ऑफ द जीरोस इज व्हाट, वन ऑफ द जीरो इज 0, ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है सर अल्फा की वैल्यू 0, नो प्रॉब्लम,
और यहां पर देखो जरा सा, यहां पर देखो अगला फैक्टर बेटा क्या है, u प्लस टू। जब तुम्हारा u प्लस टू जीरो हो जाएगा तो u इज इक्वल्स टू माइनस का टू, कोई दिक्कत नहीं है। तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा अल्फा आ गया और मेरा बीटा आ गया, तो बेटा u का जो दूसरा वैल्यू है वो तुम्हारा क्या है, बीटा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं, ये हमारा बीटा हो गया। तो बीटा बेटा क्या है यहां पर, बीटा इज वॉट, अल्फा इज जीरो ना, एंड बीटा इज माइनस का टू। अब चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा सर क्या है बेटा, देख लो अल्फा प्लस बीटा, रूट्स को जोड़ा ना बेटा, रूट्स का जोड़ा तो ये माइनस टू आया, इक्वेशन नंबर वन। अब देखो जरा सा सम ऑफ जीरोस बेटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और देखो तो जरा सा, सम ऑफ जीरोस यहां पर क्या आ रहा है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस बी बाई ए, राइट बेटा। और माइनस बी बाई ए हमारा कुछ और नहीं, माइनस का टू है, यहां पर निकाला है मैंने। देखो तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, फ्रॉम वन एंड टू हैंस वेरीफाइड, फ्रॉम वन एंड टू कंडीशन इज वेरीफाइड। ठीक है बेटा, कंडीशन इज वेरीफाइड। अब सवाल ये है क्या सर, कंडीशन वेरीफाइड हो गया सम ऑफ जीरोस का, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, राइट। अब किसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। इसका मतलब ये है बेटा, क्या यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करोगे, देखो जरा सा। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा जरा ध्यान देखो, हाँ अल्फा हमारा आया था जीरो, अल्फा क्या आया था जीरो, और बीटा बेटा क्या आया था, बीटा क्या आया था जरा देख लेते हैं, बीटा आया था हमारा, एक्चुअली ये हट गया, कोई इशू नहीं है। देखो बीटा आया था हमारा टू, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करने जा रहे हो, है ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या, अल्फा इंटू बीटा, राइट बेटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया हमारा, यहाँ पर जीरो आ गया। ठीक है, अब बोलो ये क्या सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी बाय ए ना, तो सी बाय ए, अब सी बाय ए करोगे और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो, इक्वेशन नंबर थ्री बेटा इसको लेट करो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, जीरो, और सी बाय ए, तो बेटा सी बाय ए की वैल्यू आप इक्वेशन को देखोगे ना, देखो इक्वेशन क्या था, आप इक्वेशन को देखो यहाँ पर, ओके, तो सी यहाँ पर पहले से जीरो है, तो सी यहाँ पर जीरो है, तो सी बाय ए करोगे तो सी बाय ए विच इज जीरो। और बेटा ए का टर्म देख लो जरा सा यहाँ पर, ए इज फोर, कोई दिक्कत नहीं है, ए हमारा फोर है, तो सी अपॉन फोर विच इज इक्वल्स टू जीरो। एनीथिंग ऑफ न्यूमरेटर इज जीरो ना, एंड हियर डिनोमिनेटर इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, तो बेटा वैल्यू इज जीरो। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट तो हो गया, प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। तो प्रोडक्ट वेरीफाई कैसे हुआ बेटा, इक्वेशन थ्री है तो इसको इक्वेशन फोर करो, देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर कंडीशन इज वेरीफाइड अगेन। ठीक है, कंडीशन इज वेरीफाइड, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है बेटा, क्या करोगे इसमें जरा गौर करना। अब यहां पर क्या मिसिंग है, क्या सबसे पहले ये तो बताओ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो बेटा कंडीशन यही था ना, क्या सर ए शुड नॉट बी जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बेटा क्या होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये जो ए है ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, बी आपका जीरो हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बी जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी जीरो हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इसका मतलब ये है क्या सर, एक्स स्क्वायर टाइप का इक्वेशन भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, सॉरी एक्स स्क्वायर टाइप पॉलिनोमियल जो हो गया वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब ये है सर एक्स स्क्वायर प्लस टू क्या है बेटा, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ओके नो इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो वो क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और हम लोग इसका कंडीशन को वेरीफाई करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है क्या, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सेम लॉजिक, कुछ नया नहीं करने जा रहे हैं, कुछ नया नहीं करने जा रहे हैं, तो करोगे क्या बेटा सबसे पहले। तो अब सवाल ये क्या सर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ये क्या है बेटा जानते हो, ये एक्चुअली ये है जीरो टी, राइट, माइनस 15
चोरी करने का तरीका बताऊं? देखो, सबसे पहले ये है, क्या ए इज इक्वल्स टू टी है बेटा यहाँ पर, और बी इज इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है? क्वेश्चन से ये चीजें मैंने चोरी की है ना? यहाँ पर बी टर्म मिसिंग था, बी टर्म मिसिंग यानी क्या मतलब हो गया बेटा, क्या बी जीरो हो गया? अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे जीरो से ना, तो वो जीरो ही होगा। इसका रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन को, इसके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? अब सवाल ये है, अब सवाल ये है, क्या ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू जीरो, राइट? एंड सी, सी बेटा क्या है, माइनस 15 है। गेटिंग द पॉइंट? क्या यूनिकनेस है बेटा इस क्वेश्चन में, क्या पाया आपने? सर यहां पर फैक्टराइज आप इसको नहीं कर पाओगे, राइट बेटा? फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप फिर वेरीफाई कैसे करोगे? तो बेटा यहां पर देखो जरा सा, अल्फा और प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस है ना, विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए। अब बोलोगे सर बी तो जीरो है, बी तो जीरो है, बात ही खत्म है सर। यानी क्या है, अल्फा प्लस बीटा बेटा तुम्हारा क्या आएगा, जीरो आएगा। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है क्या, सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा हमारा सी अपॉन ए हुआ, और सी हमारा बेटा क्या है, दिस इज माइनस का 15, और ए हमारा क्या है, 1 है। इसका मतलब ये है क्या, माइनस का 15 आ गया अल्फा इंटू बीटा, राइट? ठीक है ना, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा सेम पिछले वाले कंडीशन अप्लाई करो और इसको फटाफट वेरीफाई कर देना। केवल मुझे आपको ये बताना था क्या सर ये इक्वेशन एक्चुअली में है क्या, ओके? अब आप इसको बेटा मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करोगे तो भी तो जीरो और जीरो ही होगा, चेक कर लो। अब किसको कॉमन निकालोगे, कोई बात ही नहीं है, जीरो और जीरो आपका मिडिल टर्म इसका स्प्लिट होगा, है ना? जीरो प्लस जीरो को ऐड करोगे, फिर टी से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तब जाके ये पूरा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप कॉमन फैक्टर निकालोगे, कोई कॉमन निकलेगा ही नहीं, वन को कॉमन निकालोगे, तो इसके पीछे पढ़ना नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एज इट इज पुराने जैसा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर अब अरेंजमेंट खोज रहा है, ये क्वेश्चन क्या खोज रहा है, अरेंजमेंट खोज रहा है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इसको अरेंज करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में सर नहीं है। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखो मैं इसको 6x² माइनस का 7x एंड माइनस का 3 बेटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, ठीक? अब ये करने के बाद आप इसको क्या करोगे, आप इसको बेटा अल्फा और बीटा फाइंड कर लोगे, है ना, जो कि मैंने पहले करा रखा है। अल्फा और बीटा फाइंड करने के लिए फिर से बेटा क्या करोगे, ए इंटू सी करोगे, है ना? मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उसमें आप बहुत ईजिली पेयर फाइंड कर लेंगे। अगर मान लीजिए बहुत ऐड़ा गड़ा नंबर आ गया बेटा, 128 को ब्रेक करना है मान लो, और उसका मिडिल टर्म 21 है, होगा ना परेशानी, होगा ना, तो मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा उसमें, ठीक है? तो 6 3 18, अब यहां पर क्या हो गया, 18 हो गया। अब सोचो बेटा क्या क्या पेयर यूज करोगे, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 into 18 8 2 9 18, राइट? 3 6 टाइम्स, एनी मोर, नो मोर। अब पेयर आगे आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं है बेटा, ठीक है? अब सवाल ये है, क्या कौन सा पेयर, ये वाला पेयर सेटिस्फैक्ट्री है। इसका मतलब ये है क्या बेटा, यहाँ पर क्या है 7x, इसका मतलब ये है क्या, 9 - 2 करेंगे सर 7 आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, ओके। अब जरा देखो इस चीजों को हटा देते हैं सबसे पहले, तो (6x²-7x) और यहाँ पे बेटा 3 है, तो मैं क्या किया इसको, मैं यहाँ पर -9x और प्लस का 2x किया, माइनस का 3। अब देखो तो यही वाला पेयर चूज किया ना मैंने वहाँ पे 9/2, ठीक है? और यहाँ पर क्या है 6x² है, कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्लाइज दैट का बेटा साइन दे दो। यहाँ पर पेयर चूज करो, पेयर चूज करने के लिए क्या करेंगे, पेयर चूज करने के लिए आप सबसे पहले ऑब्जर्व करो यहाँ पर कॉमन क्या है। तो बेटा देखो यहाँ पे 9 और 6, अब सोचो जरा सा ये किसके मल्टीपल में है, 3 के मल्टीपल में है, राइट ना? तो बेटा यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने। और एक बात और बताते हैं, अगर ये समझ में नहीं आता कि सर पेयर आप बार बार कैसे निकालते हो, तो लोवेस्ट पावर चेक करना बेटा वेरिएबल में लोवेस्ट पावर को बाहर निकाल दिया जाता है ना? तो लोवेस्ट पावर वेरिएबल कौन है,
x की पावर 1 है, इसीलिए यहाँ पर 3x बाहर निकल जाता है और यहाँ पर 2x हो जाएगा। कुछ बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है, इसमें देखो बेटा एक्चुअली वर्क कैसे करता है मैं बताता हूँ। ये 6x स्क्वायर अपॉन 3x है ना, 3 2 टाइम्स कट गया है ना, यहाँ पर क्या बच गया 2x, ऐसे ही होता है। ठीक है, फैक्टराइज करना मतलब लिटरली बेटा तुम उसको डिवाइड कर रहे हो, है ना। जैसे कि 12 का फैक्टर मान लीजिए 2 है तो 12 क्या हुआ, 2 से डिविजिबल है और डिविजिबल हुआ इसका मतलब क्या है, 0। आप 9th क्लास में जब फैक्टर थ्योरम पढ़े थे उसमें यही तो देखा था आपने, है ना। अब देखो जरा सा, ओके हियर इट इज माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है, एंड प्लस का 1, 2x माइनस का 3, बात खत्म करो बेटा। फिर यहाँ पर सेम चीज़ें हैं, इसके बाद मुझे नहीं लगता क्या बताने की ज़रूरत है, आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों क्या है बेटा, आर द फैक्टर्स, ये क्या है, आर द फैक्टर ऑफ व्हाट, ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का बेटा क्या है, फैक्टर है। अगर ये दोनों फैक्टर है तो क्या होगा, तो क्या होगा देखो जरा, करोगे क्या, सबसे पहले तो ये ध्यान दो, अगेन क्या करेंगे सर, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बेटा x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3, देखो आ गया ना अल्फा, और यहां पर x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी बेटा, जब तुम्हारा 2x माइनस 3 बेटा क्या हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब ये है क्या, 2x इक्वल टू व्हाट, 3, एंड x इक्वल टू 3/2, तो बेटा ये क्या हो गया, ये दूसरा फैक्टर हो गया सर, ये बीटा हो गया और ये यहां पर अल्फा हो गया, आप वेरीफाई तो कर ही लोगे, राइट ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक, वेरीफाई कैसे करोगे बेटा, सेम पहले जैसा, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ना, जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगी क्या वो वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है, अगर ऐसा है तो सम ऑफ जीरोस बेटा तुम्हारा वेरीफाई हो जाएगा। सिमिलरली फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कर देना, ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट्स में बेटा बताना मुझे, मैं वो भी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ ही, देख लो वन टाइम देख लो। फिर करना क्या है बेटा, सबसे पहले ये देखो क्या सर, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ रहा है, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस थ्री अपॉन माइनस वन अपॉन थ्री प्लस थ्री अपॉन टू, ये हो जाएगा हमारा 6, 3 2 टाइम्स 6, तो बेटा यहाँ पर माइनस का 2 हो गया और प्लस का 2 3 टाइम्स, तो 3 3 9, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 6, राइट। अब बेटा सोचो जरा सा सर, माइनस 7 अपॉन 6 आया है और माइनस नहीं प्लस, ठीक है, तो प्लस 7 अपॉन 6 आया है और ये किसके बराबर है चेक कर लो बेटा, ये इसके बराबर कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर देना। फिर क्या करोगे बेटा, यहां पर सम ऑफ जीरोस ऐसे करके फाइंड कर लेना आप, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस बाहर रहा है ना, और माइनस एंड प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस का 7 हो गया बेटा यहाँ से, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि हमारा 3 है, इसका मतलब ये है सर, ये भी 7 अपॉन 6, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपका कंडीशन बेटा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपका कंडीशन वेरीफाई हो गया, है ना, बस यही करना है। अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा, हम लोग अगले सेगमेंट पे मूव करते हैं, है ना, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और भी फर्दर क्वेश्चंस क्या क्या हैं, आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी देखना चाहो बेटा देख लो, वन लुक ले लेते हैं, आप अपने सॉल्यूशन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर देख पा रहे हो कॉमन निकाला फैक्टर ट्री से और यहाँ पर फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करने के बाद जीरो के बराबर, और जीरो के बराबर हो गया बेटा यहाँ पर देखो, है ना, वैल्यूज राइट, वैल्यूज आ गई, जीरोज आ गए सर, अल्फा बीटा आ गया सर, अल्फा बीटा को जोड़ दिया सर सम ऑफ जीरोज में, सम ऑफ जीरोज में बेटा अल्फा बीटा को जोड़ा और जोड़ने के बाद वैल्यू हमारी क्या आ गई, 7/6, ये वैल्यू बेटा किसके बराबर है, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है ना, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है बेटा वो वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हो बेटा, कि यहां पर स्टेप वाइज स्टेप आपके सामने यहां पर सॉल्यूशन है, ठीक, और किया कैसे, आप जरा सा अपने वीडियोस में जब रिवाइंड करोगे तो पीछे जितने भी लॉजिक लगी है इसके पीछे वो सारे लॉजिक को बेटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक।
आगे देखो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा, बेटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म सर कौन है, कांस्टेंट टर्म है बेटा तुम्हारा माइनस का थ्री, कांस्टेंट टर्म कौन है तुम्हारा यहाँ पे माइनस का थ्री है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सिक्स है। इसका मतलब यह है बेटा जब तुम वैल्यूज को रखोगे तो वैल्यूज को रखने के बाद क्या आएगा, जरा देखो माइनस थ्री अपॉन सिक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा जो कि माइनस हाफ के बराबर है। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज ऑल्सो वेरीफाइड, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन बेटा, कुछ नया नहीं है इसमें, कुछ नया नहीं है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो द सॉटरी केस डी वाई एस, अपने से कीजिए इसको, ठीक है, ओके। ओके बेटा, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पीपीटी एंड वी विल मूव टू स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है बेटा, जरा ध्यान देना। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास क्या कंडीशन रहेंगी, वो ये है क्या, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा मान लो आपके गिवन है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, वहां से आप इक्वेशन सॉरी आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं वो ये है क्या, सम ऑफ जीरोस आपके पास गिवन रहा बेटा और आपके पास गिवन रहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो देखो जरा सा, मान लो बेटा क्या सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा गिवन है, ठीक है ना। मान लो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास गिवन है टू, राइट बेटा, और अल्फा इंटू बीटा मान लीजिए गिवन है लेट इट बी एनीथिंग 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 थ्री मान लीजिए, ठीक है। ये दोनों का इस्तेमाल करके आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद ये है कि सर मुझे अगर अल्फा पता है और मुझे अगर बीटा पता है, क्या सर इसके हेल्प से मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक पहुंच सकता हूँ, ये भी सवाल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक क्या यहाँ से पहुंचा जा सकता है, तो सवाल तो आंसर ये है बेटा, आंसर ये है क्या, बहुत आराम से। कैसे सर, स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे काम खत्म, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है बेटा, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। तो कोफिशिएंट सम ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बेटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है, राइट ना। इसका मतलब ये है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट बेटा। करोगे क्या, यही करोगे। सर मुझे ये गिवन है और ये गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको बेटा, सम ऑफ जीरोस गिवन है मान लो, है ना। आपके पास क्या है, सम ऑफ जीरोस है, ठीक। तो सम ऑफ जीरोस गिवन है और बेटा क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो सर क्या करेंगे, वहां से पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे, राइट बेटा। वहां से आप बड़े आराम से पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर, ठीक, ओके। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली। अब बेटा देखो जरा सा, यहां पर क्या करोगे, सर बहुत सिंपल है, क्या कैसे, हाउ, देखो सम ऑफ जीरो सर गिवन है, यानी इसका मतलब यह है क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 गिवन है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा क्या है तुम्हारा, माइनस वन है, गेटिंग ना। Where alpha and beta are zeros, where alpha and beta are zeros of quadratic polynomial, ठीक है। अब देखो जरा सा, alpha और beta बेटा तुम्हारा क्या है, quadratic polynomial का zero है। क्या zeros होता है बेटा, जो factorize किया ना आपने, तो factorize करने के बाद जो दो values आती है वही हमारा क्या हो गया, अल्फा और बीटा हो गया। इसका मतलब ये है सर, यहां पर सम ऑफ जीरोस गिवन है बेटा, चेक कर लो, यहां पर सम, सम की बात कर रहा है ना, है ना। इसका मतलब ये है क्या सर, सम गिवन है, सम सम, ठीक, सम ऑफ
जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो बेटा सम ऑफ जीरोज हमारा यही हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा ये हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस वन। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो देखो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा यहां पर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जनरल फॉर्म हम लोग अप्लाई करेंगे, राइट, जनरल फॉर्म नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड व्हाट प्लस अल्फा इनटू बीटा, बेटा सम ऑफ जीरोस की जगह इसको पुट करो, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह इसको पुट करो एंड सम ऑफ जीरोस की जगह इसको पुट करो, पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट वन अपॉन फोर एक्स, ठीक है, और बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है यहां पर माइनस वन, तो बेटा सोचो जरा सा ये प्लस और इंटू माइनस वन, तो बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन, तो डायरेक्टली मैं वैल्यूज को माइनस वन लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या सर ये फाइनल आंसर है, तो बेटा फाइनल आंसर है, बिल्कुल है, आप इसको फिर एलसीएम लोगे, ठीक है ना, आप एलसीएम अगर नहीं भी लेते हो तो कोई इसमें गलती नहीं है, आपका आंसर केवल इनकम्प्लीट है। आप एलसीएम ले लो बेटा फटाफट यहां पर, तो फोर का एलसीएम हो गया, यहां पर हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर राइट एंड माइनस का x, ठीक है, और माइनस का 1, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि बेटा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है तो आपका क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज व्हाट इज 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे सर इतना तो सिंपल है, क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो बेटा, इसको याद रखो केवल, ठीक है, इसको याद रखो, अल्फा प्लस बीटा गिवन होता है, अल्फा इंटू बीटा गिवन होता है, बहुत सिंपल है ना, आप आराम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दोगे, अल्फा और बीटा जब गिवन होगा बेटा तो सम कर लेना, वहां पर पहले सम कर लेना और सम करके बेटा यही स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दोगे तो आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम लोग पूरा का पूरा पॉलिनोमियल खत्म कर चुके हैं, इसके बाद है नहीं आपके सिलेबस में अभी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। रूट वाला क्वेश्चन बेटा एक कर लो, ठीक है, देखो यहां पर फिर से सेम चीजें सर, सम ऑफ जीरोस इसका मतलब ये है बेटा अल्फा प्लस बीटा गिवन है सर रूट टू, ओके, अब यहां पर अल्फा इंटू बीटा वन अपॉन थ्री, राइट बेटा, ये क्या है बच्चा आपका, ये है आपका सम ऑफ जीरोस, ये है आपका सम ऑफ जीरोस और ये आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, राइट, ठीक है, बस। अब सोचो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने सीखा है ना, क्या सीखा है, तो मुझे क्या लिखना है, पॉलिनोमियल लिखना है, तो बेटा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फिर से वही चीज करो, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज व्हाट, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहां पर ये सम ऑफ जीरोज है बेटा, ठीक है, ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोज है, ठीक, अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस व्हाट अल्फा इनटू बीटा क्या है बेटा, ये सम ऑफ जीरोज है, राइट, और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा ऊपर गिवन है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा ऊपर गिवन है, फटाफट वैल्यूज को रख दो, हैव योर आंसर। तो यहां पर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो बेटा माइनस का अंडर रूट टू और एक्स बाहर है, एक्स अंदर नहीं है, एक्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो बेटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट वन अपॉन थ्री। अब बोलोगे क्या सर फिर से एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू का न्यूमरेटर वैल्यू ही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है। देखो तो यहां पर 3x स्क्वायर हो गया माइनस का 2x, नाउ एक मिनट, 3 रूट 2x प्लस 1 अपॉन 3, सो बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस का 3 रूट 2x प्लस 1, बस इतनी सी बात है ना, इतनी सी बात है, ठीक।
सो फर्दर कुछ क्वेश्चन है बेटा आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में होंगे, सभी के सभी क्वेश्चन लग जाएंगे, है ना, प्रॉब्लम आप कहीं नहीं आएगी, ठीक। और इतना ही है अभी सिलेबस में। और आपका बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपका नेक्स्ट चैप्टर था 2.3, वो आपके सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। उसमें आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके जीरो फाइंड करते थे, फिर उसके बाद उसमें क्यूबिक इक्वेशन वगैरह भी था। तो मैं अभी सिलेबस टू सिलेबस कवर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कवर कर रहा हूँ बेटा, क्या पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। हम लोग क्वेश्चन बैंक का इस्तेमाल करेंगे, डीपीपीज लगाएंगे, राइट, एंड पीवाईक्यूज भी लगाते रहेंगे। पहला हमारा टारगेट है क्या, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर उससे रेलिवेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन जितने भी हैं आपके, आप लगाते रहिएगा, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वर्कशीट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें वहां से आप क्वेश्चन उठा के बड़े आराम से लगाइएगा। और जहां भी प्रॉब्लम हो बेटा फटाफट कमेंट करो, कुछ सोचो नहीं, ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जीरो एंड रूट फाइव देख लो बेटा इसको भी, ठीक है। जीरो और रूट फाइव है, जरा सोचो, फिर से वही कंडीशन, सर अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो, ठीक है बेटा, ओके। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू रूट फाइव, राइट बेटा। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, राइट। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बेटा हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ओके, एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। बेटा फटाफट काम करो, एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो, कोई टेंशन नहीं है, तो जीरो को लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर प्लस, इसका मतलब ये है क्या बेटा, यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। देख लिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। फिर से बेटा फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, क्या करना है, इन दोनों को जोड़ोगे, नो, जोड़ना नहीं, यहाँ पर अल्फा और बीटा गिवन है, नो, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी, यहाँ पर भी सम ऑफ जीरोस गिवन है, सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। फिर से बेटा क्या करोगे, उसमें रख दोगे वैल्यूज में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा डॉट बीटा। बेटा टाइम वेस्ट नहीं करते, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो माइनस वन अपॉन फोर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वन, तो बेटा माइनस एंड माइनस विल गिव यू व्हाट, प्लस का वन अपॉन फोर, तो यानी एक्स अपॉन फोर हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बेटा फिर से यहाँ पर क्या है, वन बाई फोर, तो वन अपॉन फोर हो गया, तो यहाँ पर लिख दो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वन अपॉन फोर। यहाँ पर एक्स बाई फोर कैसे आया पता चल जाएगा ना, ये बेटा एक्स अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ पर सम ऑफ जीरोज जो है माइनस वन अपॉन फोर है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, कोई इशू नहीं है इसमें। फिर बेटा क्या करोगे, फिर लोगे आप इसका एलसीएम नीचे का, तो एलसीएम नीचे का लेने से क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यही बेटा तुम्हारा क्या हो गया, यही तुम्हारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। फिर से हमारे पास रिजल्ट आ गया है, दिस इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ओके, ठीक है। मजा आया है ना, सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है। जरा सा आप केवल ये सोचते हो क्या, सर टॉपिक बड़ा बोरिंग है, मजा नहीं आता है रियल नंबर और पॉलिनोमियल पढ़ने में, रियल नंबर में सर प्रूविंग बोर कर देता और यहाँ पर अल्फा बीटा, बेटा क्यूबिक, ये आप लोग शुक्र मनाओ क्या, क्यूबिक इस बार सिलेबस से हट गया है, तो क्यूबिक हट गया तो समझ लीजिए तीन कंडीशन और हट गई वहां से, है ना, तो वो तो और भी बोरिंग लगता, ठीक है। तो टॉपिक बोरिंग नहीं होता, केवल और केवल ये होता है क्या बेटा, आप कितना उस पर अटेंशन दे रहे हो, है ना। आप सोचो जरा सा, चीजें इतनी सिंपल होती है और आप एग्जाम में दो नंबर छोड़ के आ जाते हो, है ना। अब एग्जाम में दो नंबर भी मिस नहीं करना, अगर 100 नंबर स्कोर करना है, इसका मतलब यह है बेटा कि मुझे हर एक टॉपिक में मास्टर होना पड़ेगा, है ना। और मास्टर कैसे होगे, एक ही उपाय है, जैसे पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना बेटा, थोड़ा नाइन्थ का पॉलिनोमियल पढ़ लो। अब बोलोगे कि सर नाइन्थ का पॉलिनोमियल पढ़ने में टाइम लगेगा, तो उसका भी उपाय है, नाइन्थ वाले चैनल में जाना बेटा और फिर नाइन्थ के पॉलिनोमियल का वीडियोस देख लेना, काम हो जाएगा, है ना। चलो इतना काम करने के बाद हम लोग का टॉपिक हो जाता है खत्म, ठीक है, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत आराम से हो जाएगा, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें भी यही सेम चीजें हैं, अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, दैट्स इट, काम हो जाएगा इतने से, ठीक है। अब
सेम क्वेश्चन बेटा फिर से, फोर एंड वन, फोर इज सम ऑफ जीरोज, वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। ओके, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। देखो एक प्रॉब्लम आता है, एक प्रॉब्लम ये आता है, जरा देखो क्या आता है। एक प्रॉब्लम ये होता है क्या, अल्फा इज गिवन एंड बीटा इज गिवन, राइट बेटा। मान लो अल्फा तुम्हारा 2 है और बीटा तुम्हारा 3 है, राइट। इसका मतलब ये है क्या सर, दो जीरोस गिवन है, मैं इसके हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना चाहता हूँ, मैं इसके हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना चाहता हूँ, जरा देखो कैसे करोगे उसको, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा गिवन है ना, और बेटा जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है सर, अल्फा प्लस बीटा, राइट, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जरा देखो अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब ये क्या सर, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ और नहीं, यहाँ पर माइनस का 5x और प्लस 3 इंटू 2, प्रोडक्ट सिंपली प्रोडक्ट है तो बेटा जीरोस का 6, ये आपका बेटा क्या आ गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, है ना। एक ये उपाय है क्या, अगर अल्फा और बीटा मुझे गिवन है तो ये हम कर सकते हैं, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। बस ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। अल्फा और बीटा गिवन होगा तो वहाँ से आपको पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा, और एक टाइप का ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म से, जहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगा। तो बेटा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका ऐसा भी हो सकता है, परेशान मत होइएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सर 1/√2, ये सम ऑफ जीरोज गिवन हो जाएगा, और बेटा फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कह देगा। रूट वाले क्वेश्चन को छोड़ना मत, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं रूट वाले क्वेश्चन उसको जरूर से जरूर लगाइएगा। अब इसमें सवाल ये है क्या सर, ये तो कुछ नहीं है, ये तो चीटिंग है, कैसे चीटिंग है सर, ये एक्चुअली 1/√2 है, यस बेटा एग्जैक्टली, और ये नीचे वाला जो अल्फा प्लस बीटा है ये कुछ और नहीं, ये 1/-√2 है, आई बात समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब बेटा क्या करोगे, अब सिंपली इसको भी वही करोगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह सर पुट कर देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा को यहां पर पुट कर देंगे इस जगह पर और अल्फा इंटू बीटा को बेटा इस जगह पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जरा देख लो कि रूट में आप लोग ना पता नहीं क्यों इतना परेशान हो जाते हो, रूट देखते ही भागने लगते हो, रूट वाले क्वेश्चन इसीलिए बेटा मैं ज्यादातर करा देता हूं, है ना। मैंने बहुत बार देखा कि बच्चे कभी कभी इसमें भी कंफ्यूज होते हैं सर, √2 + √3 सर नहीं आता है, बेटा इसका कुछ ना करो, होगा ही नहीं, अनलाइक रूट है एडिशन होना ही नहीं है, ना एडिशन होगा होना है अनलाइक रूट का, ना सब्सट्रैक्शन होना है, हाँ होना क्या है जरा सोचो जरा सर, √2 का वैल्यू हम लोग डिविजन मेथड से फाइंड कर लेंगे, और √3 का वैल्यू हम डिवीजन मेथड से, वो तो एक दूसरा तरीका हो गया, मैं डायरेक्ट एडिशन की बात कर रहा हूँ बेटा, तो डायरेक्ट एडिशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, है ना। लाइक रूट में डायरेक्ट एडिशन पॉसिबल होते हैं क्या, 2 और 2√2, ये बेटा क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा, ठीक है। तो जरा इन सब चीज़ों पर ध्यान देना, स्क्वायर रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह कैलकुलेशन में स्क्वायर तुम्हें सताने लगेगा अगर स्क्वायर रूट क्लियर नहीं है तो, हाँ इसका मतलब ये है कि लाइक और अनलाइक स्क्वायर रूट का आपको बहुत अच्छे से ऑपरेशन आना चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या है, 1/√2, इसका मतलब ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो बेटा 1/√2, तो x/√2 हो गया, क्या हो गया, x/√2 हो गया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब चेक कर लो यहां पर क्या होगा सर, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, यहां पर गिवन है, ये भी गिवन है, -1/√2, तो बेटा यहां पर प्लस तो होगा नहीं, यहां पर हो जाएगा -1/√2, तो बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, आप रूट को क्या लोगे, एलसीएम, रूट टू को क्या लिया आपने, एलसीएम लिया, तो यहां पर √2x² - x - 1, तो बेटा यहां पर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया हमारा √2x² - x - 1। बेटा ये दो लेक्चर में हम लोगों का पॉलिनोमियल खत्म हो गया, ठीक है। आप ये दोनों लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है, इसके आगे है नहीं,
जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में और आपके सिलेबस में, नॉट इन एनसीईआरटी, इतना ही अभी सिलेबस में है, बाकी चीज़ें सिलेबस से रिमूव कर दी गई है, वो चीज़ों को मैंने इंक्लूड नहीं किया है ना। तो दिस इज वेरी सफिशियंट, वेरी वेरी सफिशियंट। केवल ये याद रखिएगा, हमें पॉलिनोमियल गिवन रहता है बेटा, रिलेशनशिप जीरोस कोफिशिएंट एंड कॉन्स्टेंट टर्म, ये सारी चीज़ें। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए क्या किया मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट किया, अल्फा और बीटा निकाला, अल्फा और बीटा को जोड़ा वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें किया और हम लोग वहाँ पर रिलेशनशिप बता दिए। इक्वेशन लेट के इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और टू से वैल्यूज, कंडीशन जो है बेटा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर बेटा हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। एंड कोई भी डाउट्स अगर एग्जिस्ट करता है तो आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हैं उसमें, और आप लेक्चर्स को देखिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। राइट, थैंक यू।